स्टूडेंट्स वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर 6 फ्रॉम बुक नंबर 2, इंडियाज फिजिकल एनवायरनमेंट। चैप्टर 6 सॉइल, चैप्टर नेम सॉइल। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सॉइल? नेचुरल मटेरियल। अगर हम बात करें बेटा सॉइल की, तो सॉइल होती क्या है? नेचुरल मटेरियल। सॉइल क्या है? एक नेचुरल मटेरियल है जिसका क्या है, जिसका डेफिनेट स्ट्रक्चर और टेक्सचर होता है। नेचुरल मटेरियल है मींस नेचुरली फॉर्म होती है। नेचुरली कैसे फॉर्म होती है? जैसे कि हमने पढ़ा था जो इग्नियस रॉक्स थी, इग्नियस रॉक्स से किसकी ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन हो रही थी, तो टोटली क्या था बेटा, नेचुरल प्रोसेस थी। क्योंकि जो लावा इरप्शन है वो भी क्या है, नेचुरली होता है, मैन मेड नहीं है। उसके बाद जो उसके सेडिमेंट्स टूटते हैं, वो फॉर्म होती है, वो सब क्या टोटली नेचुरल प्रोसेस है। तो मींस सोयल क्या है, नेचुरल मटेरियल है। उसके साथ साथ उसकी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर और टेक्सचर होता है। मींस अलग अलग सोयल का स्ट्रक्चर और टेक्सचर अलग अलग होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें क्या है, उसमें अरेंज ऑफ ग्रेन साइज। ग्रेन साइज बेटा, जो सोयल, कोई भी सोयल हम देखते हैं तो सोयल के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना, उनका अरेंजमेंट, ग्रेन साइज, इनको बोलते हैं हम ग्रेन साइज। ये क्या है, अलग अलग साइज के होते हैं। तो इन ग्रेन साइज का अरेंजमेंट कैसा है, मींस ये किस तरह से अरेंज है, ये मींस ज़्यादा टाइटली अरेंज है या लूजली अरेंज है, या फिर इनका स्ट्रक्चर ऐसा है वाटर इनके अंदर से पास हो रहा है नहीं हो रहा है, और उसके साथ साथ रेशियो, इन ग्रेन साइज का रेशियो क्या है, मीन्स क्या है रेशियो, क्लियर। इट इज द अपर लेयर ऑफ अर्थ। ये क्या है, अर्थ की सबसे अपर लेयर है, जो कस्ट लेयर है उसका सबसे अपर पार्ट क्या है, सोयल है। विच प्लांट ग्रो, जहाँ पर प्लांट ग्रो किए जाते हैं वो क्या है, सोयल है, क्लियर। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मिक्सचर। ये क्या है, मिक्सचर कैसा है इसका, ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक भी है, क्लियर। उसके साथ साथ ये तो हो गया बेटा सोयल। उसके बाद हम इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले, डिफरेंट टाइप ऑफ सोयल्स, सोयल्स के टाइप, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो सोयल्स कहाँ कहाँ पाई जाती है, उनका कलर, टेक्सचर और उसके यूजेज कहाँ होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि हम आगे करने क्या वाले हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सोयल्स को देखेंगे, कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं, उनका कलर कैसा होता, क्योंकि पहले क्या है, जो सोयल होती थी ना बेटा, सोयल के 6 या 7 टाइप पाई जाती हैं, तो सबके कलर अलग होते हैं, उनका टेक्सचर अलग होता है, उनका यूजेज अलग होता है, उनके जो जिन एरियाज़ में, जिन रीजन्स में पाई जाती हैं वो अलग अलग होते हैं, क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल हमने 2 बेसिस पे किया, एक एंशेंट बेस पे, एक मॉडर्न बेस। एंशेंट बेस की अगर हम बात करें तो बेटा, उसमें जो क्लासिफिकेशन होता था वो टू ही डिवीजन थे उसमें, उर्वरा और उष्रा। उर्वरा मीन्स फर्टाइल सोयल, जो क्या है, जिसमें जो भी टेक्सचर है उसका, उसमें सभी जो एलिमेंट्स हैं उसकी प्रेजेंस, और उसमें क्या है, प्लांट और जो भी क्रॉप्स हैं वो प्रॉपरली ग्रो है। उर्सा मीन्स इनफर्टाइल, जिसमें क्या है, जिसमें स्टोन्स और पेबल्स ज़्यादा हैं, मीन्स जिसमें क्या है, प्लांट्स वगैरह ग्रो नहीं होते हैं। तो इस तरह से होता था। लेकिन अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन देखें तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हर चीज़ रीड करते हैं, टेक्सचर, जो सोयल है उसका टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है, मॉइस्चर, मॉइस्चर मीन्स वो मॉइस्चर किस हद तक होल्ड कर सकती है, कितने टाइम के लिए होल्ड कर सकती है, वो क्या है, मॉइस्चर। और ये सब क्या है, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है बेटा, जो हमारे पास 6 सोयल हैं वो मिली हैं, वो किस बेस पे पॉसिबल हुआ है, वो हुआ है जो इंस्टीट्यूशन है ना, जिसमें कौन सा है, ये 2 इंस्टीट्यूशन, SSI और NBSS, ये 2 इंस्टीट्यूशन हैं जिनके कारण क्या है, सोयल का क्लासिफिकेशन कर पाए हैं। अगर हम देखें तो बेटा, इन दोनों की डेफिनेशन फुल फॉर्म क्या होती है, सोयल साइंस ऑफ इंडिया एंड नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल साइंस, ओके। तो इन दोनों इंस्टीट्यूशन की वजह से जो सोयल का क्लासिफिकेशन है वो पॉसिबल हो पाया है। अब बात आती है ग्रेन साइज। तो
तो ग्रेन साइज क्या होता है बेटा? ग्रेन साइज मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ग्रेन साइज जो पेबल्स होते हैं, जो अर्थ की जो भी फॉर्मेशन है उसके अंदर जो अंदर जो जो साइज है ना इन ग्रेन्स का, इनको बोलते हैं हम ग्रेन्स, जिनके कारण सोयल बनती है, मीन जिन पार्टिकल्स के कारण, वो किस किस बेस पे, स्ट्रक्चर और टेक्स्चर बेस पे। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। और अगर हम बात करें ना बेटा सोयल के टेक्स्चर की, स्ट्रक्चर की, तो उसमें टू पॉइंट्स आते हैं, परमेबिलिटी एंड पोरोसिटी। परमेबिलिटी एंड पोरोसिटी ये दोनों क्या होते हैं, इनको देखते हैं हम। अगर हम परमेबिलिटी की बात करें बेटा, तो ये क्या होता है, जो जो हमारी अर्थ है इसके अंदर सोयल है, सोयल ऐसे बनी हुई, इनका साइज सबका अलग अलग है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स में, सोयल पार्टिकल्स हैं ये अलग अलग साइज के, इन पार्टिकल्स में मॉइस्चर कितना होल्ड कर सकते हैं, मीन्स एक तो क्या होता है कि सोयल क्या है, यहाँ से हमने वाटर डाला, सोयल में हमने यहाँ से वाटर डाला और वाटर ने क्या किया, डालते ही क्या हो गया, नीचे बिल्कुल वाटर यहाँ हमने डाला और वाटर डालते ही कहाँ आ गया, इनके अंदर से, ऐसे इन पार्ट के अंदर से बिल्कुल नीचे आ गया। तो ये तो क्या है, परमेबिलिटी। पोरोसिटी, तो जो परमेबिलिटी है ना बेटा, ये क्या है, ये सैंडी सोयल में ज़्यादा पाई जाती है। सैंडी सोयल जो एरिड सोयल होती है उसमें क्या है, उसमें पानी, जिसको हम बालू रेत बोलते हैं, तो उसमें क्या है, जैसे ही हम पानी डालते हैं तो उसकी जो सबसे नीचे वाली लेयर है वहाँ तक पानी तुरंत पहुँच जाता है, क्लियर। अब पोरोसिटी, पोरोसिटी में भी सेम होता है बेटा कि जो ये हम ये पार्टिकल्स हैं इनमें पानी डालते हैं, जो अर्थ के, अर्थ का स्ट्रक्चर है, जो हमारी लेयर है सोयल की, उसके अंदर हम पानी डालते हैं और पानी डालने के बाद पानी सारा इसी एरिया में अटक कर रह जाता है, मीन्स यहाँ तक, ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया तक, नीचे पास नहीं हो पाता है, तो इसको बोलते हैं पोरोसिटी, क्लियर है। पोरोसिटी मीन्स जो मॉइस्चर है उसको सोयल ने ऊपर की ऊपर ही होल्ड कर लिया है, उसको अंदर वाली लेयर्स तक नहीं पहुंचने दिया है। और परमेबिलिटी मीन्स जो मॉइस्चर है उसको नीचे तक, बिल्कुल बेस तक पहुंच गया है, क्यों, क्योंकि इस सोयल ने क्या किया, मॉइस्चर को होल्ड करके नहीं रखा। पोरोसिटी सबसे ज़्यादा ब्लैक सोयल के अंदर होती है। और ये बेटा क्या है बेटा, जो ब्लैक सोयल जब क्या होती है, वेट होती है, तब इसकी पोरोसिटी ज़्यादा होती है। ड्राई होती है तो क्या होता है, ड्राई होती है तो ब्लैक सोयल में क्या, इस तरह से बड़े बड़े क्रैक्स टूट जाते हैं, मीन्स क्या है, ये इक्वल नहीं रहती है, इसके अंदर बड़े, जो ब्लैक सोयल है उसके अंदर बड़े बड़े क्रैक्स मिलेंगे। तो जब ब्लैक सोयल वेट होती है तो वो क्या हो जाती है, स्टिकी, चिपचिपी हो जाती है और मॉइस्चर को नीचे नहीं जाने देती है और वहीं ऊपर होल्ड कर लेती है, मीन्स ब्लैक सोयल की पोरोसिटी क्या है, ज़्यादा है। परमेबिलिटी मीन्स सैंडी सोयल है उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा है, क्लियर है। उसके बाद देखते हैं बेटा हम क्लाइमेट। तो क्लाइमेट को हम कल के लेक्चर में करने वाले हैं, मीन्स जो किसी भी एरिया का क्लाइमेट है वो सोयल की किस किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, मीन्स अगर सोयल ह्यूमिड क्लाइमेट में है तो सोयल का टेक्स्चर अलग मिलेगा, अगर अरिड और सेमी अरिड रीजन में है तो उसका टेक्स्चर अलग मिलेगा, वो हम कल के लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।